हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग देख रहे थे कि हम लोग क्लॉक का टॉपिक कर रहे हैं। क्लॉक टॉपिक का मैंने पहला वीडियो डाल लिया है, जो कि अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं। उसमें बहुत अच्छा रिस्पांस आया और आप लोगों ने देखा कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको जो भी आते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन उस कॉन्सेप्ट से, तो आप उसे आसानी से कर पा रहे हैं। तो आगे बढ़ते, आज हम लोग जो बताए थे, मैंने क्या बताया था कि आपको इमेज से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, एक है वाटर इमेज, दूसरा है मिरर इमेज। तो हम लोग ने मिरर इमेज कर लिया है और उसके आधार आज हम लोग करने वाले वाटर इमेज। देखिए, वाटर इमेज भी मिरर इमेज की तरह बहुत सिंपल है, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं, लास्ट तक बने रहेगा और आपको आसानी से ये कॉन्सेप्ट ले जाएंगे और उसके आधार कोई भी क्वेश्चन आपका आसानी से बन जाएगा। ध्यान से देखिएगा, देखिए वाटर इमेज में क्या होता है। वाटर इमेज को समझने से पहले मैं एक कॉन्सेप्ट बताना देना चाहूँ कि अगर वाटर इमेज का दो कॉन्सेप्ट, देखिए वाटर इमेज एक्चुअल में है क्या, पहले मैं बता दूँ। जैसे कि एक मेरा क्लॉक है, ठीक है, जो भी टाइमिंग इस पर चल रहा हो, ये हो 12 से शुरू करते हैं, यहाँ पे 1, यहाँ पे एक्चुअल में 3 हो जाता है, यहाँ 6 या 9। तो इसको अगर हम यहाँ पे एक क्वार्टर में ऐसे इस यहाँ पे वाटर हो, तो तब यहाँ पे वाटर में जो क्लॉक का बनेगा, तो वहाँ आप देखेंगे वहाँ 6 ऊपर आ जाएगा और ये 12 नीचे चला जाएगा और ये 3 यहीं रहेगा और 9 ये। उस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा इसको कैसे करना है। दूसरा बात कि अगर आप एक और कॉन्सेप्ट याद आ गया कि कभी कभी क्वेश्चन क्या करता है, क्लॉक को क्या कर देता है, उल्टा कर देता। क्लॉक उल्टा करने का मतलब समझ रहे हैं आप, क्लॉक ये है उसको मैं पलट दूँ, यानी 12 नीचे आ जाए और 9, 6 मेरा ऊपर चला जाए। तो उस कॉन्सेप्ट में भी आपको उसको वाटर इमेज वाला ही कॉन्सेप्ट समझ के बनाना है। यानी आप दो बात समझे, पहला आप उसको वाटर इमेज डायरेक्ट बोले तब भी आपको जो आज मैं बताने वाला वही लगाना है, या फिर ये बोल दे कि क्लॉक को मैं पलट दूँ तब भी आपको यही कॉन्सेप्ट लगाना है। इसलिए मैंने पहले ही नोट्स में डाल दिया है कि अगर आपको ये बोल दिया जाए कि अगर क्लॉक को उल्टा कर दिया जाए तब भी आपको वाटर इमेज का ही कॉन्सेप्ट लगाना। वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट क्या, बहुत सिंपल है। जैसा कि मैंने पिछला वीडियो में बताया था, वहाँ 12 में से माइनस करना था, यहाँ पे आपको बस 18:30 में माइनस करना है, 18 आवर 13 मिनट में माइनस करना है। या फिर कभी कभी आप 18 आवर को, आपको पता है एक आवर में 60 मिनट होता है, तो आप इसको लिख सकते हैं 70 आवर 19 मिनट। यही है, इसमें से आपको जो भी टाइम देगा आप उसको माइनस कर लीजिए, सिंपली आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्या करना है आपको, किसी जो भी टाइमिंग दिया हो आप उसको 18 आवर 13 मिनट में या फिर 17 आवर 19 मिनट में आपको उसको माइनस कर देना है। उसके बाद भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपको देखना है। तो चलिए हम क्वेश्चन के थ्रू इस बात को समझने की कोशिश करते हैं, इसको आपको कैसे अप्लाई करना है। जैसे कि आपको पता है कि मैंने यहाँ पे क्या दिया, 8 आवर 20 मिनट हो रहा है क्लॉक में, आपको उसको यहाँ पे इसका मतलब है कि आपको वाटर इमेज बनाना है। ठीक है, तो वाटर इमेज आपको बनाना है, तो आपको मैंने सिंपली बताया कि आपको क्या करना है, 18 आवर 13 मिनट्स में से इसको माइनस कर लेना है। तो यहाँ पे इसको मैंने माइनस किया तो 10 यानी यहाँ से 13 में 20 गया तो 10 और यहाँ पे 18 में 8 गया तो 10, तो यानी 10 आवर 10 मिनट, यानी आपको क्लॉक में 10:10 दिखेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, एग्जामिनर क्वेश्चन में ऑप्शन ऊपर नीचे देता है, तो आपको याद रखना है कि अगर ऑप्शन में ये एग्जैक्ट हो तो सही, नहीं तो आपको क्या कर लेना, 1 आवर माइनस या फिर 1 आवर आगे पीछे कर लेना। यानी 10:10 हो रहा है तो आप 9:10 इसमें 1 माइनस करेंगे तो 9:10 या फिर 11:10, दोनों में से कोई भी ऑप्शन आपको दिख सकता है। ये दिखे तो सिंपली एग्जैक्ट लगा देना है, या फिर अगर आपको ऑप्शन नहीं रहेगा तो ये या फिर ये लगाना। अब भैया अगर तीनों दे दिया जाए तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा, एग्जामिनर उसको पता है कि कौन सा ऑप्शन करना है। ठीक है, इसके लिए आप रिलैक्स रहें, आसानी से आपको बस आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझेगा कि क्या करना है, बस सिंपली 18 आवर 13 मिनट्स में। अब दूसरा केस देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए, इस बार आपको क्या बोला है, 2 आवर 40 मिनट, 2:40 हो रहा है, तो आपको इसका क्या निकालना है, वाटर इमेज निकालना। आपको बोलेगा क्लियर ही बोलेगा, या तो वाटर इमेज बोला या फिर आपको बोलेगा क्लॉक को अपोजिट कर दिया गया। तो क्या करना है, ध्यान से करेंगे हम लोग, क्या करेंगे इस बार में बोलेंगे, भैया आपने यहाँ पे 18:13 क्यों नहीं लिया, तो देखिए ये 40 मिनट माइनस करना है, तो क्या 30 में 40 माइनस होगा, इसलिए मैंने उसी चीज़ को मैंने 17:19 लिख दिया और 17:19 में हम लोग 2:40 माइनस कर लेते हैं, यहाँ 15 और यहाँ 5 लेते हैं, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, 5:15 का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है, 3 आवर 3:50 या फिर, और या फिर आपको मैंने बताया 2, 1 ऊपर नीचे हमेशा आपको आंसर में मेंशन रखना है, 1 ऊपर नीचे मतलब, यानी आपको इसको ऑप्शन में 4:50 या फिर पीछे यानी 2:50 दिख सकता है, ऊपर नीचे आपको कर सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। सिंपली आपको बस ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि आपको वाटर इमेज या फिर क्लॉक उल्टा करके बोले तो आपको इसमें से आपको गिवन जो टाइम है उसको माइनस कर लेना है और ऑप्शन के अनुसार आपको 1 आवर आगे या 1 आवर पीछे जा जाना है। ठीक है, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसके बाद हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जो कि एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसको भी देखिएगा। और हमारे साथ जो हम लोग क्या कर रहे हैं, लगातार कम्युनिटी पोस्ट पे और जो वीडियो के थ्रू शॉर्ट वीडियो के थ्रू बहुत सारा क्वेश्चन डाल रहे हैं प्रीवियस ईयर, तो उसको भी जरूर चेकआउट करें, उसमें भी आंसर करने का ट्राई जरूर करें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।